स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के नेता है, इनका नाम है प्रेमपाल और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए बीजेपी नेता ने खुद अपने कंधे पे एक बुलेट प्लांट करवा लिया और उसके बाद पड़ोसी के ऊपर आरोप लगा दिया, जिसके वजह से जो इनके पड़ोसी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। के बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले में नया खुलासा। बीजेपी नेता ने रचा षड्यंत्र, कंधे में फिट कराई बुलेट, झूठी एफआईआर में निर्दोषों को भिजवाया था जेल। पुलिस ने पुनः विवेचना कर बीजेपी नेता सहित चार को किया गिरफ्तार, झूठे नाम देते को कराया बरी। थाना चंदौसी के मोहल्ला लोधियान के रहने वाले विक्रम सिंह द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनके भाई प्रेमपाल जो बैजोई से चंदौसी की ओर आ रहे थे, उनको मोहल्ले के ही रहने वाले दिलीप ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर सैनिक चौराहे के पास सुनसान स्थान पर एक गोली मार दी है। घायल प्रेमपाल द्वारा ही षड्यंत्र रचते हुए अपने दो अन्य साथियों राहुल और जयवीर के साथ मिलकर दो कंपाउंडर हायर करके अपनी पीठ में गोली का निशान बनवा कर उसमें गोली प्लांट की गई। मामले की गंभीरता में नए तथ्य आए, इसके आधार पर माननीय न्यायालय से नामजद किए गए अभियुक्त दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा से मुक्त करवाया गया। पहले बीजेपी नेता ने अपने कंधे के ऊपर एक बुलेट प्लांट करवाया और उसके बाद अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके वजह से पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह मामला जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंचा तो उसके बाद पुलिस ने इस मामले पे खुलासा किया और पता चला कि बीजेपी नेता ने यह फर्जी आरोप अपने पड़ोसियों के ऊपर लगाया था और उसके बाद बीजेपी नेता प्रेमपाल को गिरफ्तार किया गया और उनके तीन अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए कि अगर पुलिस इस मामले में खुलासा नहीं करती, पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं करती, तो जिन लोगों को फंसाया गया था उन लोगों की पूरी उम्र जेल में कट जाती। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सही से काम किया, पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया तो उसके बाद बीजेपी नेता प्रेमपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जो कुछ आपको उत्तर प्रदेश संभल से देखने को मिला, जहां पर ये सातिर दिमाग बीजेपी नेता का जो देखने को मिला है आपको, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।